नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं पंकज द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे जो खास मेहमान हैं वो हमसे जुड़ चुके हैं, बिहार से कालू जी। कालू जी को कल रात में बंगाल से दीदी का फोन आया था, शायद वो कुछ कहना चाहते हैं। जी कालू जी बताएं। जी हाँ, कल रात में जो है तो ममता दीदी का फोन आया था 12 बजे रात को। वो काफ़ी डरी सहमी सी थी, लगता है उनको कोई दिक्कत हो गई थी, कोई बुरा सपना देख लिया था उनने। तो कहने लगी रात में कि खेला होबे खेला होबे खेला होबे। तो हमने कहा हट बोड़बाक, ऐसा कौन सा खेला होबे। तो बोली हमें तो अधिकारी ने लूटा, बाबा में कहाँ दम था। मेरी लुटिया थी डूबी नंदीग्राम में, जहाँ धोखा कम था। तो हमने कहा तो क्या हो गया बुरा, वो तो हमको पता है। तो बोले कि अब तो मुख्यमंत्री पद भी जा रहा है हमारा। हमने कहा हट बोड़बा, कैसे कैसे जाबे, ऐसे नहीं जाबे, हम बता रहे हैं। तो बोली हमसे कि मुख्यमंत्री पद तो जाबे, अगर उपचुनाव ना होबे तो मुख्यमंत्री पद हमार चला जाबे। हमने कहा हट बोड़ बाक, ऐसे कैसे जाबे, वो तो चुनाव आयोग के हाथ में है, बाबा के हाथ में थोड़ी है। तो बोली कि जो है ओ बाबा भी ईवीएम की तरह चुनाव आयोग को भी जो है हैक कर लिया है। हमने कहा हट बोड़ बाक, ऐसा कैसे हैक कर लेगा, नहीं कर सकता है। बोली वो उत्तराखंड में अपना मुख्यमंत्री का बलि चढ़ा दिया है और सोच रहा है हमार कुर्सी भी छीनने का। तो देखिए, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब अपोजिशन वालों से कि जब शकल जो है बाबाओ टाइप हो तो रात को किसी को भूत बन के डराने का कोई मतलब नहीं है ना। और अपने मुख्यमंत्री का बलि चढ़ा के किसी को ये दिखाने का मतलब नहीं है कि हम तुम्हारा भी कुर्सी छीन लेंगे, है ना। तो हम तो बस एक ही बात कहना चाहता हूँ अपोजिशन वालों से कि दीदी पैर से तो कमज़ोर हैं ही, है तो कहीं दिल की भी कमजोर निकल गई, कुछ ऐसा वैसा हो गया तो बुढ़ापे में हथियारी लग जाएगी, हैं। फिर बाबागिरी करने का, दाढ़ी वाढ़ी बनाने का, बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो है थोड़ा सा जीने खाने दीजिए दीदिया को, उनको परेशान मत कीजिए, हैं। हमको रात को फोन 12 बजे करके बोलती है कि आप समझाइए, वो हमारा ही नहीं सुनता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ हट बोलिए। देखिए, कोरोना महामारी ने इस देश को पूरी तरह से आहत किया है। अब इसका सिर्फ एक ही उपाय है, वैक्सीनेशन। आप सब लोग वैक्सीनेशन लें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, किसी की बातों में ना आए। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और प्रभावी है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा ज़रूर दबा दें। अन्य खबरों के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करें।